भाई साहब, बैटिंग में कोहली की क्लास और एक्टिंग में अल्लू अर्जुन का मास कोई छू नहीं सकता। नमस्ते, मैं बबुआ, आप देख रहे हैं पुष्पा का ट्रेलर रिव्यू। I hate tears. अरे वो वाली पुष्पा नहीं है बे। सॉरी, लेकिन ट्रेलर रिव्यू से पहले आपको ये बात बता दें कि अगर इसके ट्रेलर रिलीज पर सीरियसली बात की जाए ना भाई साहब, तो एक अलग फिल्म सिर्फ इसी पे बन सकती है। पहले तो इसके रिलीज को लेकर थिएटर ओनर्स के साथ पंगे, फिर इसके हिंदी रिलीज को लेकर कंफ्यूजन, उसके ऊपर एक ऑथर ने इसकी स्टोरी खुद की स्टोरी से इंस्पायर्ड बता दिया, वहीं रिलीज डेट ऐसे बदलते रहे जैसे एक दिन में रणवीर सिंह के कपड़े। इतना सब कुछ कम था कि ट्रेलर रिलीज से पहले खबर आई कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। इसके बाद भी किस्मत का मन नहीं भरा तो हिंदी वर्जन वाला ट्रेलर कुछ घंटे आया ही नहीं। मतलब डायरेक्टर साहब को भी एक टाइम शक होने लगा कि भाई साहब पी से पुष्पा बना रहा हूं या पी से पनौती। इतने रोड़े तो हमारे रिश्तेदार हमारी तरक्की की राह में नहीं लगाते जितना इस फिल्म के लगते। लेकिन फाइनल ट्रेलर आया और पहला रिएक्शन यही है भाई साहब की अलग लेवल तबाही। नैरेटर पहले फ्रेम में बताता है कि दुनिया में जमीन पर उगने वाला एक ही सोना है, वो है रेड सैंडलवुड यानी लाल चंदन। अब ये भाई साहब श्रीशांचलम के जंगलों में मिलता है। इस चीज की डिमांड ये है कि विदेशों में इसको स्मगल तक किया जाता है। इसके बाद उड़ता हुआ आता है अपना हीरो पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन। सब टाइटल्स बताते हैं कि भाई भी स्मगलर्स में से एक है। उन्होंने पहना है सफेद शर्ट, बेल बॉटम और काली चश्मे के साथ अर्जुन भाई एकदम चिड़िया की आंख फोड़ने के लिए तैयार दिखते हैं। अगले ही फ्रेम में पुलिस लटका के भाई को सूत रही है, दे लट दे लट। खाने के बाद भी भाई के मुंह से चीख तक नहीं निकल। इतनी सख्ती तो देश में दो ही लोगों के पास है, एक पुष्पा भाई, दूसरा सल्लू भाई। मैं। इसके बाद कुछ एक्शन सीन्स है, भाई का लव इंटरेस्ट है और फिर कुछ गैंगस्टर टाइप लोगों के बीच में नजर आते हैं फहद फाजिल। जिनको नहीं मालूम कि आदमी कौन है वो साउथ की पिक्चरें देखना छोड़ दे भाई। सब सीधी बात, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई तगड़ा एक्टर इस जनरेशन में नजर आता है तो वो यही है। भाई की अवार्ड वाली अलमारी में एक नेशनल अवार्ड भी रखा है, ऐसा गूगल बाबा का कहना है। वो भाई साहब बने इसमें पुलिस वाले। अब अल्लू अर्जुन वर्सेस फहद फाजिल का क्लैश देखने में मजा तो आएगा, लेकिन असली मजे अगर किसी के लिए गए हैं तो वो फैंस है। लेकिन इस ट्रेलर की तीन चीजें जो इसमें हमारा इंटरेस्ट बनाती है, उसमें सबसे पहली है ऑब्वियसली अल्लू अर्जुन। इन भाई की फैन फॉलोइंग नॉर्थ इंडिया में जितनी है ना भाई साहब, वो खुद इनको नहीं मालूम होगी। इन्हीं के चक्कर में बिहार वाले लिट्टी चोखा में भी रसम डालना शुरू कर दिए हैं। अपने यूपी बिहार में तो विद्या कसम की जगह लोग पुष्पा कसम खाने लगे हैं। महाभारत के अर्जुन का भी इतना भोकाल टाइट नहीं होगा जितना इन कलयुगी अर्जुन का है। जाहिर सी बात है, एक पैन इंडिया फिल्म होने के नाते ये पॉइंट फिल्म को बहुत सपोर्ट करेगा। ऊपर से क्लास और मास में भाई वैसे ही टॉप है। दूसरा पॉइंट है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। साउथ की फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक जितना शानदार होता है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा ढोल नगाड़ा बजता है कि खुद का नगाड़ा हिल जाता है। अल्लू अर्जुन का हर शॉट बेहतरीन बीजीएम के साथ है और केजीएफ हमको बता ही चुका है कि थीम ट्यून मस्त तो पिक्चर हिट। तीसरा है इसकी सिनेमेटोग्राफ, कई सारे शॉट्स बहुत सुंदर हैं, लोकेशन लाजवाब, एक्शन सीन्स बढ़िया, कुल मिलाकर ट्रेलर पैसा वसूल। हाँ, इंतजार कराने के लिए जरूर कुछ लोग आधा स्टार्ट काट दें, लेकिन माल बेजोड़ है इसमें कोई डाउट नहीं है। पर असली दिक्कत है स्पाइडरमैन। जी हाँ, ये मकड़ा मानो इस फिल्म की पनौती पर ऐसा चिपक गया है कि 16 को वो थिएटर्स में आ रहा है और 17 को ये पहुंच रही है। अब स्पाइडरमैन की फिल्म का क्रेज तो आपको पता है, लड़के हाथ की नस काट लेंगे अगर सीट ना मिली तो, खून बेच बेच के लौंडे टिकट का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि आईमैक्स में ही जाएंगे। ऐसे में पुष्पा को कितनी स्क्रीन मिल आएगी ये देखना होगा। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।